हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम धर्मेंद्र सर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी तक हम लोग रेशियो फॉर्मूला स्टडी कर लिए हैं एंड उसे रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो फॉर्मूला उसे भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एंड रेशियो फॉर्मूला में हम लोग टोटल सिक्स टाइप ऑफ रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में होती है। टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि साइन कॉस एंड टेन, अगर ये साइन कॉस टेन तीन रेशियो फॉर्मूला आपने स्टडी कर लेंगे या उसे याद कर लेंगे तो बाकी जो तीन कॉट सेक और कॉसेक क्या होता है, उनका रिसिप्रोकल होता है। टेन का रिसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है। तो आपने साइन याद कर लिया तो कॉसेक याद हो जाए, उसी का रिसिप्रोकल लेते हैं। आपने कॉस याद कर लिया तो उसका रिसिप्रोकल सेक होता है। आपने कॉट याद किया तो उसका रिसिप्रोकल टेन होता है, या टेन आपने याद कर लिया तो उसका रिसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये सारे चीज हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी याद कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा भी दिया हूं और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और मैं आपको होमवर्क भी दिया था कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये एंगल होते हैं, उस एंगल से रिलेटेड हमारे पास वैल्यू होता है। कुछ सम एंगल से सम एंगल होते हैं, उनका हम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक साइड में एंगल दिए रहेंगे और दूसरे साइड में आपको क्या बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा। इधर देखिए ये साइड है, इसको कॉलम बोलेंगे और इस साइड को हम सॉरी दिस साइड को हम रो बोलेंगे और दिस साइड को हम कॉलम बोलेंगे। तो हम रो में एंगल को डिनोट किए हैं और कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोट किए हैं। मतलब डिनोट करना मतलब इधर लिखे हैं, तो कॉलम में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हूं और रो में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं क्या लिखे हैं, एंगल को डिनोट किए हैं, मतलब एंगल को रिप्रेजेंट किए हैं। तो रो में एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है एंड कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए यहां पर हम लोग 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का ही एंगल दिया गया है क्योंकि हम एक्यूट एंगल को ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। कॉस 0 डिग्री, 1। कॉस 30 डिग्री, √3/2। कॉस 45 डिग्री, 1/√2। कॉस 60 डिग्री, 1/2। और कॉस 90 डिग्री, 0। टेन पर बात करते हैं तो टेन 0 डिग्री, 0। टेन 30 डिग्री, 1/√3। टेन 45 डिग्री, 1। टेन 60 डिग्री, √3। एंड टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब आते हैं कॉट। कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन। कॉट 30 डिग्री √3। कॉट 45 डिग्री, 1। कॉट 60 डिग्री, 1/√3। एंड कॉट 90 डिग्री, 0। सेक। सेक 0 डिग्री, 1।
से 30 डिग्री 2 अपॉन रूट 3, से 45 डिग्री रूट 2 और से 60 डिग्री 2 एंड से 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री रूट अंडर 2 और कॉसेक 60 डिग्री 2 अपॉन रूट 3 एंड कॉसेक 90 डिग्री 1। तो मैंने बोला था कि आप इनमें से साइन साइन कॉस और टेन आप याद कर लेंगे तो बाकी साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए साइन जीरो डिग्री नॉट साइन जीरो डिग्री वन, लेकिन साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक, तो उसका क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन, इसका रिसिप्रोकल, और साइन जीरो डिग्री जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो इसलिए नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका नॉट डिफाइन हो गया, जीरो हुआ तो नॉट डिफाइन। साइन 30 डिग्री वन अपॉन टू, उसका रिसिप्रोकल लिए तो देखिए टू हो गया। साइन 45 डिग्री वन अपॉन रूट टू, अब इसका रिसिप्रोकल इसको उल्टा कर देंगे, रिसिप्रोकल में इसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक 45 कितना हो गया टू हो गया, रूट टू हो गया। एंड साइन 60 डिग्री थ्री अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, इसका उल्टा करेंगे तो टू अपॉन रूट थ्री देखिए। और साइन 90 डिग्री वन है तो इसका उल्टा भी करेंगे तो वन ही होगा। कॉस वो कॉस जीरो डिग्री वन, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक जीरो डिग्री भी वन हो गया। कॉस 30 डिग्री रूट थ्री अपॉन टू, इसका उल्टा करेंगे तो टू अपॉन रूट थ्री सेक में देखिए। कॉस 45 डिग्री वन अपॉन रूट थ्री सॉरी वन अपॉन रूट टू, तो इसका सेक का सिर्फ रूट टू। और कॉस जीरो डिग्री मीन्स कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, तब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइन। टेन में चेक कर लिए, टेन जीरो डिग्री क्या हो गया जीरो और इसका कॉट नॉट डिफाइन। टेन 30 डिग्री वन अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री हो गया उल्टा हो गया। टेन 45 डिग्री वन तो वन और टेन 60 डिग्री रूट थ्री, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो गया वन अपॉन रूट थ्री। तो इस तरह से हम ये टेबल को याद कर सकते हैं ओके। और हम टेबल याद करके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम बहुत अच्छे तरीका से इसे याद कर लेंगे और इसका प्रूफ दैट वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें ये तीन आइडेंटिटीज होती है। जैसे आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। इसमें कितने आइडेंटिटीज है, तीन। फर्स्ट है फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एंड थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये तीन आइडेंटिटीज है और तीन आइडेंटिटी से दो दो फॉर्मूला आएंगे, टू 2 प्लस टू फोर और फोर प्लस टू सिक्स, तो सिक्स इधर और थ्री इधर, टोटल नाइन फॉर्मूला यहां से डिराइव हो जाते हैं। तो जब नाइन फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो आपको क्या होगा सिंपल होगा प्रूफ दैट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो हम कैसे किसके टर्म में साइन के अगर टर्म में हमें लिखना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस को साइन के टर्म में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन।
थर्ड आइडेंटिटीज आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। क्या हम लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास थ्री आइडेंटिटीज है और थ्री आइडेंटिटीज से हम टोटल नाइन फॉर्मूला होते हैं, तो इसे भी आपको मेमोराइज करना होगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होंगे। फिर आपके पास फोर्थ क्या है? टेन स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे भी याद करके रखेंगे, इसका भी अप्लीकेशन होगा। और सिक्स नंबर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। फिर आपको आ गया सेवेंथ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट सॉरी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो वहां ए ए ए सेकेंड आइडेंटिटी से आई है और ये थर्ड आइडेंटिटी से, कि सेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और सेक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड मैंने क्या सीख लिया? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए। अब हम आते हैं कुछ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उसको भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद करके रखना होगा, उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सी पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल। तो साइन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है, एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो आपने देखा कि sin sin किस में चेंज हो रहा है? sin cos में चेंज हो रहा है, और cos sin में चेंज हो रहा है, tan cot में चेंज हो रहा है, और cot tan में चेंज हो रहा है, और sec cosec में चेंज हो रहा है, और cosec sec में चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि sin sin theta sin 90 minus theta को हम क्या लिखा? cos theta, cos 90 minus theta को हमने लिखा sin theta, tan 90 minus theta को मैंने cot theta लिखा, और cot 90 minus theta को tan theta मैंने लिखा, और sec 90 माइनस थीटा को मैंने क्या लिखा? cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा को हम sec थीटा लिखा। तो इस तरह से हमारे पास मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्लेन किए हैं, एंड आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये सारे चीज हम लोग आज स्टडी कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि प्रूफ दैट के मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी सारे फॉर्मूला से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।